Hey, what's up guys? I'm back with another video और ये video काफी ज्यादा खास आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक follow किया है affiliate marketing series या कोई भी business, चाहे वो Instagram से related हो, Facebook से related हो, या आप जो जानते हैं affiliate marketing, CPA marketing उससे related हो, मतलब हर business से related उसका backbone होता है email marketing, और वो चीज होती है ईमेल ऑटो रिस्पोंडर से। तो आज हम बात करने वाले हैं ईमेल ऑटो रिस्पोंडर के ऊपर, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, कैसे क्या चीजें सेट होती हैं और कैसे ईमेल ऑटो रिस्पोंडर काम करता है। तो गाइज, एक चीज मैं बताया नहीं आपको कि बैकबोन क्यों होता है। गाइज, बैकबोन इसलिए होता है, देखो जब आप लोगों को बता देते हो कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन उनको आप सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं दे पाते, तो वो आप अपने ईमेल्स के जरिए उनको बताते हो, उनको वैल्यू देते हो, उनको चीजों और प्रोडक्ट और अपने बारे में भी बताते रहते हो, और एट द एंड चीजें सेल होती हैं आपके ईमेल से। तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर होना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है माई फ्रेंड, तो जरूर से जरूर इस पे ध्यान दो आप प्लीज। तो सीधा हम जाएंगे मेलिंग बॉस पे और वहां मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गो ऑन द सो यहां मेरे पास बहुत सारे फनल्स हैं, ठीक है, और ये बिल्डर का अकाउंट खुला है जहां आपको मेलिंग बॉस और ऑटो रिस्पॉन्डर मिल जाता है, ठीक है, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, जिससे आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ एक ऑप्शन है मेलिंग बॉस का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेस का ऑप्शन आएगा और मेलिंग बॉस ऐसा सामने आपके खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कैसे सेटअप होता है। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि मेलिंग बॉस कैसे सेटअप करते हैं, क्या कैसे होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज फाइनली मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, और ये पार्ट 7 है अपने एफिलेट सीरीज का। अगर आपने शुरू से सीरीज नहीं देखी है एफिलेट मार्केटिंग सीरीज की, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें 5 वीडियो, आई थिंक 5 पार्ट मैंने डाल दिए हैं और 2 पार्ट नहीं डाले हैं जो सून मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो वो चीज आप वहां से जाके देख सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पीसी पे मिल सके। और गाइज, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक, क्योंकि आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है और आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाने के लिए मुझे डेली डेली प्रेरित करता है। दिस इज हिंदी, तो प्रेरित करता है मुझे डेली ऐसी वीडियो लाने के लिए आपके लिए, तो प्लीज लाइक जरूर कर लें। और अब आपको यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या चीजें काम करती हैं। तो जैसे कि ये, हाँ, मेरे पास बहुत सारे फनल्स हैं, ठीक है, तो ये एक फनल पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक इस पे क्लिक करते हैं, तो ये फनल ओपन हो रहा है। यहाँ से कैसे सेटअप करना है मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, चाहे वो फनल हो, चाहे वो स्क्विज पेज हो, ब्रिज पेज हो, गिव अवे फनल्स हो, कोई भी चीज, वहां अगर आप ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और अगर आप ध्यान से करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज खोलने से पहले आपको यहाँ पर आके उसको सेव कर लेना है, कोई भी ऑटो रिस्पॉन्डर खोलने से पहले, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये जो चीज है गाइज, ये चीज इसको आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप अलग से गेट रिस्पॉन्डर यूज करते हो, ठीक है, ए वेबर यूज करते हो, या कुछ भी मेलिंग चैनल जो यूज करते हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म, मतलब हर प्लेटफॉर्म में आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर फ्री में हमें मेलिंग बॉस मिला हुआ है जो हमें अनलिमिटेड देता है, और वो भी सिर्फ $49.9 में हम इसको ले सकते हैं, और बाकी जगह हमें बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं मंथली, लेकिन हमें इतनी सारी सुविधा नहीं मिलती। यहाँ हमें लैंडिंग पेज, स्क्विज पेज, फनल्स, मेकिंग, चैट बॉट, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, मतलब हर कुछ अवेलेबल अवेलेबल है बिल्डर में, तो आप बिल्डर को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे एक लिंक है उसको जाके देख सकते हैं, और 50-60 लाख रुपए ईयरली अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट से, दैट इज कॉल्ड बिल्डर। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे जाके उस वीडियो को देखें। अब मैं मेलिंग बॉस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेलिंग बॉस एक्सेस होने लगेगा। तो ये देखो, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ गए, ये ऑप्शन उन चीजों के हैं जो मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, जिनमें मैंने पूरा सेटअप करके रखा है ईमेल लिस्ट, और जिससे ऑटो आपको ईमेल जाता है। तो
तो वो सारी चीजें, तो मैं यहाँ कोई भी चीज को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं मेक मनी ऑन सोशल मीडिया, जैसे एक लिस्ट है मेरी, तो उसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये यहाँ जो भी लोग ईमेल डालेंगे वो डायरेक्ट मेरे ये वाले और ये जो फर्स्ट में है यहाँ जाके सेव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके सेव हो जाएगा इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ ये चीज़ें मैंने समझा दिया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करना है कि आपका जो मेल आया, जो भी मेल ईमेल्स आए वो आके यहाँ पर सेव हो जाए, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू ऑप्शन पे, ये ओपन होगा, ओके। तो गाइज ये कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है। यहाँ आपको अपना मतलब जो आपका लिस्ट का नेम है, आप मान लो बिल्डरल ट्रैकिंग लिस्ट नाम लिखना चाहते हो या बिल्डरन मिलियन डॉलर चैलेंज नाम लिखना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। बिल्डरल ट्रैकिंग लिस्ट, और वही चीजें आप यहाँ पर कॉपी करके डाल दो, ठीक है। डिस्प्ले नेम में भी वही रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है ओटीपी इन और ओटीपी आउट का, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है गाइस, यहाँ क्या होता है देखो, ओटीपी सिंगल रखो यहाँ पर, ओटीपी इन को क्या सिंगल रखना है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई अपना ईमेल यहाँ पर डालेगा तो उसको कंफर्म नहीं करना पड़ेगा अपने ईमेल में जाके, डायरेक्ट आप उसको ईमेल भेज सकते हो। अगर आप डबल ओटीपी रख देते हो, तो जैसे ही कोई यहाँ पर ईमेल डालता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाके अपने ईमेल में कंफर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप उसको ईमेल भेज सकते हो, वरना आप नहीं भेज सकते। तो हमेशा इसको सिंगल ओटीपी रखो और ओटीपी आउट को डबल, ठीक है। और जैसे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा ये, ठीक है, ये ओके हो जाएगा। अब जो चीज यहाँ आपको मिलेगी ओके होने के बाद, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस नजर आएगा जब सॉरी ऐसा कुछ आपको नजर आएगा जब ये पूरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही गाइस ये पूरा ऐसे क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो जाके यहाँ इसको अपडेट कर सकते हो, सेटिंग में जाके आप इसको सेट कर सकते हो, अगर कुछ भी चीजें सेट करनी हो, जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे फील्ड, ठीक है, फील्ड क्या चीज है, फील्ड ये चीज है, ये दो फील्ड है, ईमेल और नेम। आप चाहो तो बहुत सारी चीजें यहाँ आके ऐड कर सकते हो, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो यहाँ पर आप टैक्स फील्ड ऐड कर सकते हो, ड्रॉप फील्ड, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब सॉरी टैक्स फील्ड मतलब ये सब टैक्स फील्ड है, और ईमेल की फील्ड, मतलब और भी बहुत जितनी फील्ड चाहो आप उतनी फील्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अपने में अपनी लिस्ट, जैसे कि आपने ये लिस्ट क्रिएट कर ली है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी आपके टेक्स्ट में, मतलब आपके पास एक ऐसा टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब बोलने का मतलब जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नहीं होता जिसमें हम पूरी चीजें लिस्ट करके रखते हैं, तो वैसा अगर मैं दिखाई देता हूँ आपको ये चीज, जैसे कि ये चीज है, तो ये आपके पास ये न्यू टेक्स्ट नोटपैड है, तो आपने इसमें बहुत सारा ईमेल लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे ही चाहो तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर बस आपको सिंपल इंपोर्ट दबाना है और उस फाइल को सिलेक्ट करना है और उस पर क्लिक कर देना, हो जाएगा। अगर फॉर्म्स में भी रखा है तब भी आप उसको इस अपने मेलिंग बॉक्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ, सब्सक्राइबर लिस्ट आपको पता चल जाएगी, यहाँ आप अपने पेजेस ऐड कर सकते हो, तो वही सारी चीजें यहाँ पर है। फिर से हम लोग लिस्ट में चलते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रोसेस है गाइज बहुत ज्यादा वो भी इजी है, जैसे ये बहुत ज्यादा इजी था, आप लोग सोच रहे थे बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी था। जैसे कि मैंने बताया, बस कुछ भी नहीं करना, मेलिंग बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है, और लिस्ट ऐसे क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर जाके कॉन्फिग्रेशन में क्लिक करके, ऐसे राइट में क्लिक करके, कॉन्फिग्रेशन में क्लिक करके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कंप्लीट। इतना सो गाइज इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है गाइज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको बोलते हैं ईमेल सीक्वेंस। ईमेल सीक्वेंस भी आपको कैंपेन में मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो मैंने बहुत सारा रखा हुआ है पहले से, जो मेरे कैंपेन रन हो रहे हैं डेली, तो इसमें से मैं एक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये अभी मैं एक अच्छे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये चीज आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो दोस्त आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको सीक्वेंस पूरा क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ एक मैं सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको क्या ऐसे फिक्स करना है चीजों को। आपको देखो यहाँ पर पहले, यहाँ पर जो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है,
तो द 30 डेज चैलेंज जैसे मैंने लिखा रखा है अवेट, तो ये क्या है, ये इसकी हेडिंग है, सब्जेक्ट है। जैसे आप मैं तो कोई भी आप क्रिएट करोगे तो वहां आपको फर्स्ट पेज ऐसे मिलेगा और वहां पर आपको अपना ईमेल, जो भी आप ईमेल उनको भेजना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर उसकी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, जैसे मतलब जो भी आप जिसको भी ईमेल भेजोगे वो इस नाम से ईमेल जाएगा, द 30 डेज चैलेंज अवेट्स, ठीक है, इस नाम से ईमेल जाएगा। और यहाँ पर गाइज उसका ड्यूरेशन देगा कि आपको कब भेजना है कब नहीं भेजना है, तो आप यहाँ पर से क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछेगा, ठीक है, आफ्टर सब्सक्राइबर, मतलब जब वो आपको सब्सक्राइब कर देंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको ये ईमेल भेजना है। ऑटो रिस्पॉन्डर टाइम वैल्यू, मतलब वो जैसे ही सब्सक्राइब के तुरंत भेजना है या उसके 1-2 घंटे बाद भेजना है, अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 1 घंटे बाद, ठीक है। और यहाँ डे टाइम है कि 1 घंटे बाद जाए कि 1 दिन बाद जाए कि 1 वीक बाद जाए, 1 मंथ बाद जाए या 1 ईयर बाद जाए। तो जैसे कि मैं बोलूँगा 1 मिनट बाद, तो मैं इसको 1 मिनट करके यहाँ पर करके इसको सेव चेंज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे सेव चेंज पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, नीचे एक बटन है देखो एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा। एक्टिवेट पे जैसे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, एक्टिवेट पे देखो जैसे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, 1 सेकेंड हो रहा है, तो ये क्लिक कर दिया मैंने और ये फिर इस तरह खुल गया है। और यहाँ पर पूरे टेम्पलेट्स दिए रहते हैं जो आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं, पूरे टेम्पलेट्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप क्या पुश का ऑप्शन आएगा, अब आप चाहो तो आप पुश कर सकते हो, एक्टिवेट हो चुका है, मतलब जो भी आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में आएगा उन तक ये ईमेल पहुंचेगा, तो इसको आप पुश कर देते हैं हम लोग, क्योंकि मैं अभी ये चीज को सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई और यहाँ आपको ये चीज मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, जैसे कि इसके बाद भी आपको कोई ईमेल भेजना है तो यहाँ पर देखो लिखा है एड ईमेल, एड ईमेल पे बस आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप एड ईमेल पे क्लिक करोगे तो एक सीक्वेंस और नीचे आ जाएगा। ओके, देखो अब आ रहा है, खुल रहा है, जो बाजू में बार बार खुल रहा है ना लेफ्ट में, वो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहे होंगे स्क्रीन में, तो उसको आप अंदर कर सकते हो, उसको यूज करना है तो कर सकते हो, तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये फिर आ गया, अब यहाँ पर देखो सब क्या लिखा है, सिक्वेंस मैसेज, तो वही चीज यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ डालोगे उस नाम से जाएगा, वही डे और वही एक्टिवेशन, ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया। तो ऐसे करके आप अपना पूरा ईमेल सेटअप कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बता देता हूँ, ईमेल सिक्वेंस में जाके ईमेल सीक्वेंस को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा ईमेल खोल रहा है कौन मेरा बंद कर रहा है। तो ईमेल है मेरे पास यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, नेम तो नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन एक चीज आपको जो दिखाना चाहता हूँ, कैसे आपको पता चलेगा कि ईमेल सीक्वेंस खोल रहा है कि नहीं। तो देखो गाइस यहाँ पर मुझे मेरा जो ईमेल है वो सेंड हो रहा है लोगों को, और देखो मुझे दिखा भी रहा है कि 64 ओपन हुए हैं, ठीक है, क्लिक 0 है, ठीक है, 37 ओपन हुए हैं और यहाँ पर 1 क्लिक है, ठीक है, जो अनसब्सक्राइब भी अगर कोई करता है तो पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है, वो आपको देखना ऐसे है कि आपको ईमेल जो सीक्वेंस है उसमें आपको जाना है, और यहाँ पर जो एक आइकन दिख रहा है, आई थिंक कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसका जो आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो गाइज ऐसे करके आप अपना ईमेल सीक्वेंस और लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जो बिल्कुल भी इजी है। और गाइज मैं बोलूंगा कि अगर आपको कहीं पर भी मार्केटिंग करनी है तो ईमेल मार्केटिंग जो होती है वो पूरी मतलब बेस होता है, अगर ईमेल आपके पास नहीं होगा और ईमेल मार्केटिंग टूल्स नहीं होंगे आपके पास, तो ना आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो ना आप ऑनलाइन में कोई भी मार्केटिंग कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे बिजनेस हो, फेसबुक पे बिजनेस हो, चाहे वो कहीं पर बिजनेस हो, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन में है तो आपको फनल्स, लैंडिंग पेजेस, ईमेल सीक्वेंसेस, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स, चैट बॉट्स, कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं, ये चीज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स है और ये बैक पे काम करती है। जब आप फ्रंट पे खेलते हो, मतलब फ्रंट पे आप कंटेंट देते हो, लोगों को समझाते हो, और जो बैक एंड पे जो चीजें काम करती हैं वो ये चीजें हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बेसिक्स, जैसे कि आपने प्राइमरी नहीं पढ़ी और सीधा मिडिल में आ गए या हायर एजुकेशन में आ गए तो आपको सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, तो वही बेसिक्स है, ये बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, या मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा और 100% मैं लोगों को रिप्लाई देता हूँ, तो वहां आप आके मुझसे और भी बातें कर सकते हो और भी चीजें पूछ सकते हो। और अगर आप पूछोगे कि कौन सा ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करना चाहिए तो मैं हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा, मेलिंग बॉस को यूज करो, बिल्डर को खरीदो। गाइस बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ आपको, बिल्डर को खरीदो। गाइस आप समझते नहीं, आप सोच रहे हो कि मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैं आपको सेल कर दूँ, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो टूल्स है इनका ही यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
अगर आप ये टूल्स यूज नहीं करोगे तो आप आगे काम कैसे करोगे। मान लो आपके पास पेंसिल, रबर, कॉपी नहीं है, ठीक है, तो आप स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी जाके कैसे पढ़ाई करोगे, ट्यूशन में नहीं पढ़ाई कर सकते। वैसे ही अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या कोई भी मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन में, तो अगर आपके पास ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, चैट बॉट्स, फनल मेकिंग, लैंडिंग पेजेस नहीं है, तो आप आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सस्ते में चीज़ मिल रही है, ले लो। मुझे पता है बिल्डर का बाद में प्राइस बढ़ने वाला है, हो सकता है $100 चल जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी ले लो। मार्च अप्रैल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो आपको बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी ले लो, बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा और आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आपको नीचे लिंक मैंने दी है, जाके आप देख सकते हो, बाकी पूरा इंफॉर्मेशन आपको बिल्डर का मिल जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।